अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी जैम, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से। तो चलें इसको बनाते हैं। हम जैम बनाने के लिए नॉनस्टिक का पैन लेंगे, या आपके पास जो भी बर्तन हो आप ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमारे को चाहिए 1 कप शुगर, 1/2 केजी स्ट्रॉबेरी एंड 1 लेमन। अब हम स्ट्रॉबेरीज को पैन में डाल देंगे। स्ट्रॉबेरीज डालने के बाद इसमें शुगर शामिल करेंगे। इसमें हम 1/2 कप वाटर शामिल करेंगे ताकि हमारी स्ट्रॉबेरीज अच्छे से पक जाएं। इसमें हम साथ ही लेमन जूस भी शामिल करेंगे ताकि हमारी शुगर क्रिस्टलाइज ना हो, ताकि हमारा जैम यमी से बन जाए। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखकर पकाएंगे ताकि हमारी शुगर डिसॉल्व हो जाए और स्ट्रॉबेरीज भी इसमें अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन रख के और पकाएंगे। इसको पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए, ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये थिन फॉर्म में है, तब इसको हम और पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इसमें बबल्स बन रहे हैं तो ये जैम की फॉर्म में आने वाला है। तो अब इसको हम और पकाएंगे जब तक ये टेक्सचर और ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा जैम बनके रेडी है और ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। हम इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद एक एयर टाइट जार में इसको डाल देंगे। जब जैम रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया था तो मैंने इसको एयर टाइट जार में डाल दिया था। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।